अचानक घर से गायब हुई लड़की मिली छत्तीसगढ़ में। परिजनों ने जांच कर की कार्रवाई की मांग। मऊरानीपुर कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाले पिता के द्वारा कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया गया कि 8 सितंबर दोपहर 12 बजे के लगभग उसकी बेटी घर से गायब हो गई। जब उसे मामले की जानकारी हुई उस समय वह अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था। जैसे ही मामले की जानकारी हुई वह लौट कर तुरंत वापस आया, साथ ही बेटी को खोजने का प्रयास किया। बेटी के संबंध में रिश्तेदारों से भी बात की लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। तो वहीं घर पे रखे एक मोबाइल को चेक करने पर उसमें एक नंबर मिला जिसके माध्यम से पता चला कि बेटी निवाड़ी जिले के अंतर्गत एक गांव में रहने वाले युवक के साथ चली गई है। तो वहीं जब उक्त युवक के घर जाकर उसके माता पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उसकी बेटी को उन्होंने छत्तीसगढ़ में बेच दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों का बुरा हाल हो गया है। तो वहीं परिजन बेटी की तलाश में छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां पर निवाड़ी जिले के उक्त युवक के साथ उनकी बेटी पाई गई। तो वहीं दोनों लड़का लड़की को परिजनों के द्वारा मऊरानीपुर लाया गया, साथ ही कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया। इसके साथ ही पिता के द्वारा कोतवाली पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? पुरानी गलाई। क्या समस्या लेके आए आप थाने? हम इसलिए आए कि हमारी बच्ची गुम हो गई। बच्ची गुम हो गई तो हमने तलाश किया, नहीं मिली। तो चले हमको शक हुआ कि किसके पास हो सकती है, तो हमने रिश्तेदारों के पास शक किया। तो वहाँ पर गए, उस लड़की को पकड़ा, जीवन समरा जीवन समरा सासू पकड़ा, तो उसको पकड़ा, उसके बाप को भी साथ में पकड़ा। तो उससे पूछा पहले पता बच्ची कहाँ है, तो उसने नहीं जाना। बड़ी मुश्किल में उसने राना कि हम ले गए, उसको घर दिया है। तो भाई चल कहाँ पर है? बोले छत्तीसगढ़। अच्छा, तो उसको लेकर गए तो बच्ची छत्तीसगढ़ में मिली। तो उसको किसी ने मारा है, बच्ची को गली से निशान है, गला दबाया उसको हाथों से, हाथों से नहीं तो फिर उसको लाश से दबाया। बच्ची को तो भी अपने यहाँ में मार के डाले। अच्छा अच्छा, तो अब क्या हालत है बच्ची की? जब हम गए तो बच्ची इसी स्थिति में थी कि भूखी प्यासी, न उसके पास कोई पैसा न कुछ। जब हम गए तो हमने बच्ची को देखा तो उसको पहले खाने के लिए मंगाया, फिर उसको समझाया कि आप तो हमने फिर बताया कि हमको इनने बुलाया था अशोक कुशवाहा ने। तो अशोक कुशवाहा जी कहाँ का है? जीवन समरा। जीवन समरा, क्या आपकी कोई रिश्तेदारी है का वहाँ पर? हमारी कोई रिश्तेदारी है फिर? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो इसको मैंने कहा कि चल बेटा कैसे हुआ ये? तो बोला ये जीवन का अशोक कुशवाहा है जो इसने मुझे बुलाया कि चलो अपन भाग चले। हमने भागने के मिस में बच्ची को बुलाया, ये झांसी तक गया, उसने गाड़ी में बैठा लिया, कुछ चार लड़कों को लगा दिया इसने पीछे। चार लड़के कौन है, चीनते हो क्या? नहीं, हम नहीं चीनते हैं, ना बच्ची भी नहीं चीनती है। तो ये नागपुर है क्या है, वहाँ तक लड़की के पीछे गए, वो फिर उसने किसी और को भेज दिया छत्तीसगढ़ वाले। तो छत्तीसगढ़ वाले लड़का ने फिर स्टेशन से इसको पकड़ा लड़की को, तो उसको ले गए, उसको गला दबाया और गले को उसने जूते से लड़का है निशान भी बनाया उसके गले से। अभी बच्ची कहाँ पर है आप? अभी बच्ची कस्टडी में है और वो लड़का भी कस्टडी में है। कौन लड़का? अशोक कुशवाहा। अच्छा, अशोक कुशवाहा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ इसको तो सजा मिले, जैसा मेरी बच्ची के साथ हुआ है ऐसा ही इसके साथ हुआ। क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ के निवासी हो? मऊरानीपुर। अच्छा अच्छा, क्या समस्या लेके आई थी आप थाने? अरे हमारी भांजी थी अशोक कुशवाहा के साथ गई, उसने दूसरे को भेज दिया, फिर हमने रिपोर्टिंग देखी वहाँ की, तो रिपोर्टिंग पाई फोन में, फिर हमने पता लाया उसके घर गए, लेकिन उसने नहीं बताया। उसके ऊपर जब दबाव डाला तो जब उसने बताया कि यहाँ पर आपकी बच्ची है, तो उसको साथ लेके गए, तो फिर छत्तीसगढ़ में पाई बच्ची, वहाँ पर मिली। हाँ,
फिर क्या स्थिति है बच्ची की? अभी अभी तो सही है पर पुलिस के हवाले है। पुलिस के हवाले? घाव है क्या कुछ? हाँ, गर्दन में घाव है। और कहाँ कहाँ घाव है? गर्दन में है, सीना में, गर्दन में, पैर से दबाया, हाथ से दबाया। आप क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा और आगे कार्रवाई कराई जाए।